सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हम लोग सप्तम वर्ग से किनारे हैं, जो कि हमारे लिए किताब का पार्ट 10 है। इस पार्ट का नाम है मानव पर्यावरण अंतर क्रिया अपना प्रदेश बिहार। बच्चों ये जो पार्ट है वह बिहार के बारे में इस पार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में आपको बिहार के सारे चीज़ों का जो है झलक जो है बताने का भी प्रयास किया गया है। ये किताब आपको बताएगी बिहार की जनसंख्या कैसी है, श्रमों के पेशा क्या है, यहाँ पे कृषि उद्योग कैसे हैं, या जो भी उद्योग क्षेत्र में लगे हुए हैं कैसे हैं, नदियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये सारे चीज़ों का समाकलन आपको जो है बिहार के झलक के रूप में आपको इस किताब इस जो है चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। बच्चों पहले तो इस पाठ के आरंभ करने से पहले तो हम लोग जान जाएं कि बिहार जो है भारत के उत्तर दिशा में ठीक ना स्थित है, जो कि यह मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ठीक ना। बिहार की एक नदी है जो कोसी नदी है, वह अपना जो है हर एक साल मार्ग बदलने के नाम से भी जानी जाती है। वह चूँकि हर एक साल जो है उसमें बाढ़ आता है और उसका मार्ग जो है निश्चित नहीं रहता है कि वो किधर से टूटेगी और किधर से बहेगी, और हर एक साल जो है अपार मात्रा में जान माल की क्षति होती है। बच्चों आप लोग जो जान जाइए, पहले बिहार का जो है वो क्षेत्रफल जान जाते हैं, तो उसका जो है उसका जो है सीमा जो है किस किस राज्यों से लगा हुआ है, यहाँ देखते हैं लिखा है बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल ठीक ना। बिहार के जो पूर्व में है वह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड। यहाँ पे देखा जाए तो ये बिहार जो है चार राज्यों से जुड़ा हुआ है। आप लोग एक और बात जान जाइए कि बिहार का जो है बिहार में मुख्य जो है पेशा वो कृषि है, कृषि पर आधारित यहाँ पर जनसंख्या है, यहाँ पे बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पे अनपढ़ की संख्या जो है शिक्षित लोग कम है, अनपढ़ों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे रोजी रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं है ठीक ना। यहाँ पे चूँकि प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता ठीक ना, इसलिए गरीब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों यहाँ पे जो है लघु और कुटीर उद्योग है जिससे लोगों का जो है जीवन यापन चलता है, कुछ चीनी मिले हैं, यहाँ पे गन्ना की भी खेती होती है, चावल भी है थोड़ा सा, गेहूँ भी होती है, मक्का होती है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर कृषि भी देखी जाए तो उतनी विशिष्ट ढंग से अच्छी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्याप्त आय की कमी है, कृषि के साधन नहीं है, अच्छे बीज की कमी है, लोगों की जानकारी की कमी है, लोगों में जागरूकता नहीं है। तो क्या है इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हर एक क्षेत्रों में पिछड़ापन झलकता है। बिहार का जो है मुख्य पर्व जो है वो छठ है, यहाँ पे दीपावली भी मनाई जाती है ठीक ना, यहाँ पे जो है बकरीद भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, यहाँ पे सारे धर्मों का समावेश भी आपको बिहार में मिलता है। बच्चों यहाँ में आप पहले जो बिहार में था जो बोध गया था जो कि जो है गया जो है उसमें आप देखिएगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति का धर्म स्थल भी माना जाता है ठीक ना। फाल्गु नदी वहीं पे है जहाँ पे जो है पिंडदान वो करते हैं, पितृपक्ष में बहुत भारी में मेला लगता है जहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। तो इस तरह से पिंडदान करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ तक कि जो है बाहर से विदेश से भी लोग वहाँ पे आते हैं, तो ये धार्मिक स्थल से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वर्षा जो होती है वह 150 सेंटीमीटर से अधिक होती ठीक ना। यहाँ का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में क्योंकि यहाँ का जो है उपोष्णकटिबंधीय जो है यहाँ के जलवायु है, यहाँ पे गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री तक चली जाती है, 45 डिग्री से भी अधिक टेम्परेचर हो जाती है, जिससे कि अत्यंत अधिक जो है गर्मी भी पड़ती है। ठंडे के दिनों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी तापमान चला जाता है ठीक ना। तो ये यहाँ पे जो है उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उससे ये जलवायु से संबंधित बिहार है। बच्चों यहाँ पे जो मानसून का आगमन होता है वह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है,
बंगाल की खाड़ी से ही बिहार में मानसून आता है, ठीक ना। तो जून के प्रथम सप्ताह से यहाँ पे जो है मानसून की आगमन माना जाता है, ठीक ना। तो एक और बात आप लोग जान जाइए कि बिहार में जो है शिक्षा का कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है। अब एक बात और समझ में आप लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या क्यों अधिक है, क्योंकि लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, अधिकतर लोग घरों पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। तो एक जनसंख्या का जो है एक आधार बन जाता है।